सवाल बार बार उठता है, जैसे एक लैब टेक्नीशियन की भर्ती रही है, फिर मोटर वाहन चालकों की भर्ती रही है, बहुत प्रक्रिया 2015-16 से लंबित पड़ी हुई है, हालांकि आपने 2019 तक कहने की करने की पहले बात करी थी, तो क्या इन सबों का निकट, चूंकि दो लैब टेक्नीशियन एक ऐसी भर्ती है जब जब आई है तब तब उस पर रोक लग गई है किसी न किसी वजह से, तो क्या उम्मीद की जा रही है सर मार्च के पहले लैब टेक्नीशियन और जो मोटर वाहन चालकों के जो रिजल्ट रुके हुए हैं लोअर टू के हैं, इन सबके कुछ ऐसी निकट भविष्य में उम्मीद की जाए कि इनके रिजल्ट जारी हो पाएंगे जल्दी? देखिए लैब टेक्नीशियन की जहां तक बात है उसमें हाईकोर्ट के आदेश है कि जो रिटेन का रिजल्ट है वो हम फ्रेश जारी करें, क्योंकि क्वालिफिकेशंस की वजह से पिछली गवर्नमेंट के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जी। तो उसके लिए फिर से सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, वो सर्टिफिकेट हम सबके सब एनरोल कर चुके हैं और हम अक्टूबर में उन्हें वेबसाइट पर डाल देंगे और उनसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे कि उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको जल्दी से पूरी कर दें, और मेरे ख्याल में हम उनके फिर इंटरव्यू भी स्टार्ट करेंगे जल्दी।